दोस्तों जैसे कि आपको बता दें, अभी हम आए थे आपको बाढ़ की पानी दिखाने के लिए, जो ये सहरसा और दरभंगा की जो बॉर्डर सीमावर्ती एरिया है उस जगह पे कोसी नदी के पास आए थे। यहाँ पे हमें कुछ शिक्षिका दिख गई जो यहाँ से इस नदी को पार करके जाता है, और वो भी लेडीज हैं, और इनको हिम्मत की दाद देना चाहिए जी। इतना करंट और इतना तेज रफ्तार से इस नदी में पानी का बहाव है, उसके बाद भी ये लोग हिम्मत करके उस पार जाते हैं पढ़ाने के लिए स्कूल में। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं, किस गांव में, ये इन्हीं से जानकारी लेंगे और इनसे ही पूछेंगे कि क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है मैम आपके? मेरा नाम पूजा है। आप लोग बीपीएससी से हैं? हाँ, बीपीएससी से। इधर किस गांव में जाते हैं पढ़ाने के लिए? कदवारा गांव में। कदवारा गांव में आते कहाँ से है? यह रूम हम लोग का उधर तेतरी में है। तेतरी में है। क्या मतलब बराबर रेगुलर आना जाना लगा रहता है? हाँ, स्कूल। इतना सारा बहाव है, इतना तेज रफ्तार है नदी में पानी का, क्या आप लोग को डर नहीं लगता है? बहुत डर लगता है, और पानी तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो डरने की तो बात है ही, लेकिन जब नौकरी करना है तो हम लोगों के पास कोई और विकल्प है नहीं जाने के अलावा। इससे पहले कभी नाव पर चढ़े थे? नहीं, यहाँ पहली बार चढ़े हैं। ऐसे गंगा नदी में जब कभी जाते थे तो ऐसे चढ़ते थे, लेकिन ऐसे कभी नहीं चढ़े हैं ऐसे। जो परिस्थिति है यहाँ से जाने आने में, तो डर तो लगता होगा? डर बहुत लगता है, और हम लोग पहले ऐसा कभी नहीं सोचे थे कि इस जगह पे भी विद्यालय हो सकता है, जहाँ ना रोड है, ना आने जाने का कोई सुविधा है, ना कोई परिवहन के साधन है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे लगी है नौकरी तो यहाँ पे जाना पड़ रहा है। अब आगे देखते हैं कैसे हो पाता है, अभी तो बहुत दिक्कत है। हम अंकिता रॉय है, और मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय कदवारा में पोस्टिंग है हमारा। और यहाँ क्या समस्या होता है जब नाव से आप आते हैं मैम, तो डर लगता है नाव पे आने? हाँ, बहुत ही डर लगता है। डेली हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के जाते हैं यहाँ पे, ऐसा हम लोग कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं किए हैं। और सिर्फ ये नदी ही नहीं, हम लोग जब नदी क्रॉस कर लेते हैं तो 2 किलोमीटर हम लोग को यहाँ पैदल चलना पड़ता है, बिना किसी रास्ते के, और यहाँ पे खेत के रास्ते से हम लोग जाते हैं अपना जान जोखिम में डाल के, और यहाँ पे हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, सुविधा नहीं है किसी, कोई भी किसी चीज का सुविधा नहीं है यहाँ पे। आपका घर कहाँ हुआ गांव? हमारा घर मुंगेर हुआ, मुंगेर से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। पहले कभी यहाँ नाव पे? नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम नाव पे चढ़े हैं। आपको रेगुलर जाना आना? हाँ, रेगुलर डेली। डर लगता होगा? बहुत ही ज्यादा डर लगता है। ज्ञान में ये बात है कि यहाँ पे हम लोग का यही एकमात्र रास्ता है विद्यालय जाने का। अब देखिए, आप लोग हमारी बातों को पहुंचाइए ताकि हम लोग को कोई समाधान मिल सके। ये नदी तो जो पार करना होता है वो तो होता ही है, रिस्क लेके हम लोग चले भी जाते हैं, लेकिन इसके बाद का जो रास्ता है ना 2 किलोमीटर का, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। खेत में पानी लगता है, वो गंदगी रहता है पूरा, उसमें पानी में हम लोग को घुस के जाना पड़ता है। हाँ, टाइम से पहुँचना होता है। कितने बार ऐसा होता है कि हम लोग को आधे आधे घंटे वेट करना पड़ता है नाव के लिए? नाव खराब हो गई थी, तो हम लोग जो सुबह के बैच के थे, हम लोग का 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है, उनको सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक यहाँ पे वेट करना पड़ा कि नाव ठीक हो तब स्कूल जाएंगे। तो ऐसी समस्याएं हैं। देखिए, काफी सारा समस्या का सामना करना पड़ता है इनको, इस सारा समस्या का सामना करना पड़ रहा है उस पार के लोगों को, क्योंकि ये सीमावर्ती एरिया है, और सीमावर्ती एरिया के साथ साथ ये जो है कुछ विधानसभा, जो ये गोरा बोराम विधानसभा है, इसका कुछ भाग कट के उस पार में है, जो कि उस पार जाना पड़ेगा और मजबूरी है वहाँ की लोगों को इधर आना। समस्या यही है, और यहाँ पे अभी जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ के सांसद या विधायक महोदय हैं, आज तक इस पे सुधि नहीं लिए। इस बार सांसद महोदय के तरफ से एक पुल का जो है पास किया गया है, जो पुल आपको इस पार से उस पार जोड़ने का काम करेगा, और उस पुल के लिए जब इलेक्शन नज़दीक आया तब जा कर के सेशन हुआ। अब देखना यह है कि बाढ़ का पानी आ गया, सेशन तो हो गया, पास हो गई, 2 पाया भी बन गया पुल का, 2 पिलर बन गया, उसके बाद इस नदी में पानी आ गया, जिसके कारण पुल का निर्माण आधा अधूरा ही रह गया। अब उस पुल निर्माण में लेकर के अब कितना ये बाढ़ खलल डाल रहा है, उस चीज़ को देखना है, क्योंकि अभी जो है ये बाढ़
अब स्टार्टिंग है, अभी शुरुआत हुआ है, अब कब कितना रहेगा, 6 महीना रहेगा कि साल भर रहेगा, कोई कहना नहीं। और बाढ़ चला भी जाएगा तो इस नदी का पानी सूखता नहीं है, और नदी के उस पार के लोगों का एकमात्र सहारा होता है जो ये वो नाव है जो हमारे डिस्प्ले पे दिखेगा। सहयोगी सागर करेंगे, दिखाइए, देखिए यही एक नाव है बोट वाली जो कि लेके जाएगा। और देखिए इतना तेज बहाव रहता है जो नाव को भी सही ढंग से चलने नहीं दिया जाता है, गंतव्य जगह पे जाने के लिए काफी सारे आगे से जब निकालेगा तब वहां जाएगा, जबकि पंखी लगा है उसके बाद ऐसा है। अगर हाथ से आप खे के ले जाएंगे तो काफी दूर बहाव जितना तेज है जो आपको लेके चला जाएगा। अब बताइए समस्या कब उस पार की लोगों का, कब समस्या दूर होगा, आखिर क्या कसूर उस पार के लोगों का है जो उनको आज तक अपना रास्ता नहीं मिला, और उस पार जाने के बाद भी समस्या दूर नहीं होता, उसके बाद भी आपको साहब गांव पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, उस 2 किलोमीटर पैदल आपको चलना है जिसमें कोई रास्ता नहीं है, आप साइकिल लेके भी नहीं आ सकते हैं, सर पे मोटरी उठा के पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि उस पार में भी जगह जगह पे कीचड़ है, कादो है, खेत में पानी लगा हुआ है, आपको काफी तकलीफ होगा। देखिए एक नाव आपको दिखा देते हैं जो कि देसी नाव इसको कहा जाता है, ये गांव घर के लिए ये नाव है, ये इस नदी में नहीं चल पाएगा, पलट जाएगा। ये गांव घर के लिए लोग बना के रखा है, मछली पालन के लिए बना के रखता है, रोजमर्रा की जो इनकी आदत है जो कि नाव से ही सारा काम किया जाएगा उसके लिए बना के रखता है। हालांकि सवारी के लिए आपको बड़ा नाव जो दिखाए वही था। चलिए बने रहिए खबर में, फिर आपको और आगे दिखाएंगे, ले जाएंगे और कहां पे क्या स्थिति है बाढ़ का वो बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।